हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बासल 1, 2 और 3 को डिटेल में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में इस चीज को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि बैंक्स को रन करने में किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में हम लोगों ने BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी कवर किया था और हमने देखा था कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या काम करती है। साथ ही साथ पिछली वीडियो में हम लोगों ने बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS को भी कवर किया था, जिसने बासल 1, 2 और 3 को फॉर्मुलेट किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बासल 1 से। बासल 1 में क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने से रिलेटेड प्रोविजंस रिकमेंड किए गए हैं। बासल 1 कहता है कि जब एक बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देता है तो उनमें से कई सारे कस्टमर्स लोन की रकम वापस नहीं चुका पाते और इसकी वजह से बैंक्स को अनएक्सपेक्टेड लॉसेज होते हैं। अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली में कितने कस्टमर्स डिफॉल्ट करेंगे। ऐसे में बासल 1 अकॉर्ड रिकमेंड करता है कि हर एक बैंक के पास अलग से कुछ पैसा होना चाहिए जो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। बट क्वेश्चन ये है कि इस तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना पैसा सफिशिएंट होगा, तो इसके बारे में बासल 1 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसके बारे में बासल 1 में ये कहा गया है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को हजार तरह के लोन्स देते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोन्स डिफरेंट है तो उनसे एसोसिएटेड रिस्क भी डिफरेंट होंगे और इसीलिए बासल 1 में एसेट कैटेगराइजेशन की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि बैंक्स के जितने भी एसेट्स हैं उनको उनके रिस्क के हिसाब से कैटेगराइज किया जाना चाहिए और इसके लिए टोटल 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें रिस्क परसेंटेज है 0%, 10%, 20%, 50% और 100%। तो बैंक को करना ये है कि उन्हें अपने सारे लोन्स को इस एसेट कैटेगराइजेशन टेबल के बेस पर कैटेगराइज करना है और उसके अगेंस्ट जो रिस्क मेंशनड है उसके बेस पर RWA यानी अपना रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि एक बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हैं 1000 रुपीज के और सिक्योर्ड लोन्स दिए हैं 4000 रुपीज के। अब अगर हम लोग एसेट कैटेगराइजेशन टेबल को रेफर करें तो हम लोग पाएंगे कि अनसिक्योर्ड लोन्स बिलोंग करते हैं कैटेगरी 4 को, जिसके अगेंस्ट रिस्क है 50%, और सिक्योर्ड लोन्स बिलोंग करते हैं कैटेगरी 2 को, जिसके अगेंस्ट रिस्क है 10%। तो अब अगर हम लोग रिस्क एसोसिएटेड कैलकुलेट करें तो अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर रिस्क हुआ 500 रुपीज का और सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर रिस्क हुआ 400 रुपीज का। इन दोनों वैल्यूज को सम अप करेंगे तो अमाउंट आएगी 900 रुपीज और यही है इस बैंक का रिस्क वेटेड एसेट। बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें तो ये कैलकुलेट करना था कि अगर एक बैंक को अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। तो बासल 1 में बेसिकली यही कहा गया है कि एक बैंक के जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं उन रिस्क वेटेड एसेट का अगर एक परसेंटेज बैंक अपने पास सेफली रखता है तो फ्यूचर में होने वाले किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉस को मिटिगेट कर पाएगा। और बासल 1 में इस परसेंटेज को CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहा गया है। और बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने जब 1988 में बासल 1 रिकमेंडेशंस दी थी तो उस समय CAR की जो वैल्यू उन्होंने सजेस्ट की थी वो थी 8%। और बासल 1 नॉर्म्स को भारत में 1999 में अडॉप्ट किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी CRAR भी कहा जाता है। और इनहेंस्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमारे देश में CRAR की वैल्यू को बासल द्वारा रिकमेंडेड वैल्यू से भी 1% ज्यादा रखा गया। तो अब हम ये जान चुके हैं कि एक बैंक को कितने पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके, और इस पैसे को हम लोग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। और बासल 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल। Tier 1 कैपिटल वो कैपिटल है जिसके थ्रू बैंक अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है बिना बैंक की फंक्शनिंग को स्टॉप किए हुए, यानी इस स्थिति में बैंक को अपने ऑपरेशंस स्टॉप नहीं करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं Tier 2 कैपिटल की। Tier 2 कैपिटल वो कैपिटल है जिसके थ्रू बैंक्स अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब तो कर सकती है लेकिन ये कैपिटल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। शायद इस कैपिटल को अरेंज करने के लिए बैंक को अपने ऑपरेशंस शट डाउन करने पड़े। चलिए Tier 1 और Tier 2 कैपिटल को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी कार के आगे एक फ्रंट गार्ड लगा लेते हैं। ये फ्रंट गार्ड बेसिकली Tier 1 सिक्योरिटी की तरह बिहेव करता है, यानी अगर आपकी कार के सामने कोई छोटा मोटा पत्थर आया या फिर कोई छोटी मोटी टक्कर हुई तो ये गार्ड चाहे टूट जाए लेकिन आपकी कार बच जाएगी और आप भी सिक्योर रहेंगे। लेकिन एक्सीडेंट अगर ज्यादा बड़ा हुआ और Tier 1 सिक्योरिटी उसे संभाल नहीं पाई तो आपकी कार की जो सेकंड नेट ऑफ सिक्योरिटी है यानी एयरबैग जो है वो खुल जाएगी। ये है आपकी Tier 2 सिक्योरिटी
और इस एक्सीडेंट से आप बच जाएंगे, लेकिन इसके बाद आप कार चलाकर वापस से घर तो नहीं जा सकते। कार तो आपको किसी ट्रक के पीछे चेन से बंधवा कर ही टो करके लेके जानी पड़ेगी। तो आई होप कि टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि टीयर वन कैपिटल की जो डेट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो टीयर टू कैपिटल से हमेशा ज्यादा होती है, और आरबीआई भी बैंक्स की टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल के बेस पर ही उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा पाती है। तो वैसे तो ये दोनों ही कैपिटल बैंक को उनके अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी टीयर वन कैपिटल को ज्यादा रिलायबल समझा जाता है क्योंकि ये वो पैसा है जो बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और राइट अवे बैंक इसका यूज करके अपने लॉसेस को मिटिगेट कर सकता है। इसीलिए आरबीआई की नजर में किसी भी बैंक का जो टीयर वन कैपिटल होता है वो उस बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का कोर मेजर होता है, और इसीलिए इसे कोर कैपिटल भी कहा जाता है। इसके दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला है शेयर होल्डर्स इक्विटी और दूसरा है डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स की जो भी इक्विटी है यानी शेयर्स है वो उसे बेचकर तुरंत पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हैं उसके अंदर बैंक के जितने भी एसएलआर एसेट्स हैं उनको काउंट किया जाता है, और बैंक के पास जितना भी टोटल लिक्विड कैश है उसको भी डिस्क्लोज रिजर्व्स में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो कि बैंक की बैलेंस शीट में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए टीयर टू कैपिटल की, तो यहाँ पर बैंक के सभी अनडिस्क्लोज रिजर्व्स को रखा गया है। अनडिस्क्लोज रिजर्व्स बेसिकली बैंक्स के उन रिजर्व्स को कहा जाता है जो बैंक अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स को भी टीयर टू कैपिटल का ही पार्ट समझा जाता है। बेसिकली बैंक पूरे साल में जो भी प्रॉफिट करते हैं उसमें से अगर डिविडेंड को निकाल दिया जाए तो जो वैल्यू बचती है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स जैसे बैंक की बिल्डिंग, बैंक में रखा हुआ फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीजें हैं इन सब चीजों को फिक्स्ड एसेट कहा जा सकता है, और ये बैंक की टीयर टू कैपिटल को फॉर्म करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर बैंक को अपने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर अप करने के लिए टीयर टू कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़े तो लगभग स्थिति ये आ जाती है कि बैंक को बंद करना पड़ जाता है। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि बासल वन में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया गया है और वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसके लिए 8% ऑफ आरडब्ल्यूए की वैल्यू को रिकमेंड किया गया है, और इस कैपिटल को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल। तो ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये क्रेडिट रिस्क को तो मिटिगेट कर सकती है लेकिन मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकती, और शायद यही रीजन था जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे बैंक्स जो कि बासल वन इम्प्लीमेंट कर चुके थे वो भी फेल हो रहे थे। और इसीलिए 2004 में बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बासल टू को फॉर्मुलेट किया। बासल टू में कहा गया कि अगर बैंक्स को स्टेबल रखना है तो इन्हें एक पिलर पर स्टेबल नहीं रखा जा सकता, इसके लिए दो पिलर्स और लगाने पड़ेंगे। ये दो पिलर्स थे सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। इस तरह बासल टू में सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन के थ्रू मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क दोनों को मिटिगेट करने की कोशिश की गई। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन है क्या? तो बात यह है कि सुपरवाइजरी रिव्यू बैंक के इंटरनल प्रोसेस और सिस्टम्स पर फोकस करता है, जबकि मार्केट डिसिप्लिन बैंक्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट करता है ताकि बैंक्स के एसेट और लायबिलिटीज से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस की जा सके। तो ये दो नए पिलर्स तो बासल 2 में इंट्रोड्यूस किए ही गए थे, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पिलर है यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चेंज किया गया। यहाँ पर टीयर वन कैपिटल के लिए भी एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी गई। कहा गया कि टीयर वन कैपिटल को आरडब्ल्यूए का 4% रखना होगा और इसके ऊपर जो भी वैल्यू बचती है उसे आप टीयर टू कैपिटल समझ सकते हैं। बट इन तीन पिलर्स के ऊपर भी बैंक स्टेबल नहीं रह पाए। ऐसे कई सारे बैंक जिन्होंने बासल 2 इम्प्लीमेंट किया हुआ था, ऐसे बैंक भी 2008 क्राइसिस में ढह गए, और इसीलिए वापस से बासल 2 नॉर्म्स को एक बार फिर से अपग्रेड किया गया और 2010 में बासल 3 नॉर्म्स को फॉर्मुलेट किया गया। बासल 3 में कहा गया कि अगर बैंक्स को स्टेबल रखना है तो ये जो बीच का पिलर है इसे लोहे का बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि बासल 3 ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अपने क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक्स सिर्फ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगहों पर पैसे इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे ताकि बुरे समय में काम आ पाए। तो ये जो डब्बे, बोरी, गुल्लक और ब्रीफ केस आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके लिए बासल 3 में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं। इन सभी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से। बासल 3 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर 9.5% कर दिया गया है।
इसके अलावा जो बाइफर्केशन किया गया था टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल का, उसके साथ साथ एक टीयर थ्री कैपिटल को भी जोड़ दिया गया है। कहा गया है कि टीयर थ्री कैपिटल टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल को सप्लीमेंट करेगी, और पहले टीयर वन के लिए रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 4.5% की, अब इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट है LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यहाँ पर कहा गया है कि बैंक के पास एटलीस्ट इतने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, बुरी से बुरी स्थिति में बैंक अपने आप को एटलीस्ट 30 दिनों तक सर्वाइव कर पाए। तो बैंक को चाहिए कि वो इतने अमाउंट के हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स इस डिब्बे के अंदर बंद करे और ऊपर से ढक्कन लगा दे। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एसेट्स की या फिर अमाउंट की, लेकिन LCR बेसिकली एक रेशियो है। तो बेसिकली बात यह है कि LCR भी CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की ही तरह एक परसेंटेज ही है, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, LCR इज इक्वल्स टू HQLAs यानी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश फ्लोज, और यहाँ पर बैंक के 30 डेज के नेट कैश फ्लोज को काउंट किया जा रहा है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर HQLAs को बैंक के 30 डेज ऑफ टोटल नेट कैश फ्लोज के बराबर कर दिया जाए तो LCR की जो वैल्यू आएगी वो होगी 100%, और बासल 3 में LCR की वैल्यू 100% ही रिकमेंड की गई है। तो ये तो बात हो गई LCR की। चलिए अब बात करते हैं NSFR की, देखते हैं कि इस बोरी में कितने पैसे रखने होंगे। NSFR की फुल फॉर्म है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, और बासल 3 में रिकमेंड किया गया है कि हर एक बैंक को एक बोरे में इतना पैसा भर के रख देना चाहिए कि अगर बैंक के ऊपर कभी भी बुरा समय आए तो एक साल तक का समय आराम से कट जाए। यानी अगर बैंक के ऊपर कभी भी बुरा समय आए छोटे पीरियड के लिए तो वो LCR से संभल जाएगा, और अगर बुरा समय थोड़ा लंबा चल गया तो उसे संभालने के लिए NSFR की जरूरत पड़ेगी। और एक साल तक के पीरियड को हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि मीडियम टर्म के लिए ही समझते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एक साल एक ठीक ठाक समय है जिसमें बैंक बाउंस बैक कर सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इस बोरे में क्या भर के रखना है। चलिए अब देखते हैं कि इस गुल्लक का क्या करना है। तो इस गुल्लक के लिए बासल 3 में जो टर्म यूज हुई है वो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर यानी CCCB। तो इसके बारे में बासल 3 में ये कहा गया है कि जब समय बहुत बढ़िया चल रहा हो तो इस गुल्लक में पैसा डाल देना चाहिए, और जब समय खराब हो तो इस गुल्लक को फोड़कर पैसा निकाल लेना चाहिए। और इस गुल्लक में कब पैसा डालना शुरू करना है और कब इसे फोड़ना है ये बात बैंक खुद डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसीजन उस देश का सेंट्रल बैंक लेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में ये डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा। तो ये थी डिटेल्स काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की। चलिए देखते हैं कि अब इस ब्रीफ केस में कितना पैसा भर के रखना पड़ेगा। इस ब्रीफ केस को बासल 3 में कहा गया है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर बैंक के जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसका 2.5% इस ब्रीफ केस में भर के रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जितना भी पैसा है ये बैंक के ही काम आने वाला है, बैंक के बुरे समय में जब बैंक को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो ये तो बात हुई बासल 3 की गाइडलाइंस की। अब अगर हम लोग लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को देखें जो कि अभी दिसंबर 2022 में ही रिलीज हुई है, तो यहाँ पर हमें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की वैल्यूज देखने को मिलती है। और जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी CRAR, तो सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए CRAR की जो वैल्यू RBI ने लागू की हुई है वो है 16%। इसके अलावा यहाँ पर आप ये वैल्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा टीयर वन कैपिटल के लिए जो परसेंटेज RBI ने तय की है वो है 6.9%। और आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यूज बासल नॉर्म की रिकमेंडेशन से ज्यादा ही है। तो ये थी डिटेल्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और बासल नॉर्म से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।